जब अनजान शख्स के पंप से बेहोश हो गई थी फातिमा सना शेख। फिर एक रेस के पिता ने लड़के की ली खबर। फातिमा सना शेख फातिमा सना शेख को फिल्म दंगल दंगल से पहचान मिली थी। उन्हें इस फिल्म में अपने काम के लिए काफी तारीफ मिली थी। फिल्मों में बहादुरी के रोल निभाने वाली फातिमा असल जिंदगी में भी काफी बहादुर हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने छेड़खानी का एक किस्सा सुनाया था, जिसमें उनकी एक लड़के से झड़प हो गई थी। तब एक ट्रेस के पिता ने लड़के की अच्छे से खबर ली थी। फातिमा ने कहा था कि उनके पिता उनका मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फातिमा ने आगे बताया कि एक बार वे जिम से वापस आ रही थीं, तब एक शख्स उन्हें घूर रहा था। जब एक ट्रेस ने उस शख्स के पास जाकर पूछा कि वह उन्हें क्यों घूर रहा है, तब शख्स ने कहा कि उन्हें देखना उसे अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई। फिर उस शख्स ने फातिमा का चेहरा छुआ। ऐसा करने पर एक ट्रेस को उस शख्स पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। इस पर शख्स ने फातिमा को मुक्का मार दिया और वे बेहोश हो गईं। जब एक ट्रेस के पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शख्स की अच्छे से खबर ली। बता दें कि फातिमा सना ने फिल्म चाची 420 में क्यूट बच्ची का रोल निभाया था। फिल्म में कमल हासन उनके पिता के रोल में नजर आए थे। 2016 में फिल्म दंगल में गीता फोगट के रोल में नजर आईं, जिससे वे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई थी। हाल में फातिमा लूडो और अजीबा दास्तान में नजर आई थी। वे आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी खास रोल निभा चुकी हैं। लूडो में निभाए कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए फातिमा सना शेख ने कहा, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ पतिव्रता लड़की। मेरे साथ कोई ऐसी चीज करे तो दो थप्पड़ मार दूं। बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए फातिमा ने कहा, मैं भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। यह बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब आप इसमें होते हैं तो यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। बता दें कि हाल ही में फातिमा कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था।